देखिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफिकल कन्वर्जन। अब आज की क्लास में हम लोग ग्राफिकल कन्वर्जन सीखेंगे, ग्राफ को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ग्राफिकल कन्वर्जन पढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स एक बार रिवाइज कर लिया जाए, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो तो इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होता है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है। इसके बाद y इक्वल टू e रेज टू पावर ऑफ x, y इक्वल टू e रेज टू पावर ऑफ x। हम बस ग्राफ का पैटर्न बना दे रहे हैं, इसका पैटर्न ऐसा होता है। और ये y एक्सिस पे कहाँ पे क्रॉस करेगा? वन पे सर। वन पे, ठीक है। नेक्स्ट y इक्वल टू एल एन एक्स, इसके ग्राफ का पैटर्न ऐसा होगा। ये आइदर x एक्सिस और y एक्सिस में किसी एक पे वन से क्रॉस करेगा। किस पे क्रॉस करेगा वन से? x एक्सिस पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट साइन x, साइन x का ग्राफ का पैटर्न आपको पता है, इस तरह से होता है। ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बन गया। अगर हम यहाँ पे जीरो मार्क कर लें तो यहाँ पे क्या होगा? पाई होगा। यहाँ पे क्या होगा? टू पाई। इधर होगा माइनस पाई और इधर होगा माइनस टू पाई, ठीक है। तो दीज आर बेसिक ग्राफ्स, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। देखो, हम लोग डिफरेंट तरह का ग्राफिकल कन्वर्जन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो ग्राफिकल कन्वर्जन है उसका फॉर्म कुछ इस तरह से होगा। फॉर्म वन, फॉर्म वन इस तरह से कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए, जहां पे ए कोई कांस्टेंट है। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी होगा, आइदर ए ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर ए स्मॉलर देन जीरो होगा। ए इक्वल टू जीरो का कोई मतलब नहीं है। ए इक्वल टू जीरो बोलने का मतलब ये हुआ कि वाई एफ एक्स ही रह गया, फिर कन्वर्जन कहाँ हुआ, ठीक है। तो हम दो केस देंगे, एक केस देंगे ए ग्रेटर देन जीरो और दूसरा केस देंगे ए स्मॉलर देन जीरो। अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा बाय ए यूनिट्स, ग्राफ ऊपर शिफ्ट करेगा बाय ए यूनिट्स। और अगर ए लेस देन जीरो हो जाए तो ग्राफ नीचे शिफ्ट करेगा बाय ए यूनिट्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। सपोज तुमसे ये बोला गया कि y इक्वल टू e रेज टू पावर ऑफ x प्लस टू का ग्राफ बनाओ और y इक्वल टू e रेज टू पावर ऑफ x माइनस टू का ग्राफ बनाओ, ठीक है। या सेकेंड जो एग्जांपल दे रहे हैं वो दे रहे हैं y इक्वल टू e रेज टू पावर ऑफ x माइनस वन का ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि y इक्वल टू e का पावर x का ग्राफ बना दो, ठीक है। तो y इक्वल टू e का पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये y एक्सिस पे कहाँ से क्रॉस करते हैं? वन से, ठीक है। y एक्सिस पे वन से क्रॉस करते हैं, ठीक है। अगर y इक्वल टू e का पावर s प्लस टू का ग्राफ बनाना है तो ग्राफ का पैटर्न एग्जैक्टली यही होगा, मतलब e का पावर x वाला ग्राफ जैसा ही होगा, लेकिन पूरा ग्राफ टू यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो पूरा ग्राफ ऐसा ही होगा लेकिन दो यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। दो यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा बोलने का मतलब ये हुआ कि e का पावर x y एक्सिस पे वन पे इंटरसेक्ट कर रहा था, अब ये थ्री पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। मतलब कि इस तरह का ग्राफ कुछ बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ e रेज टू पावर ऑफ x प्लस टू। और अगर e का पावर x माइनस वन का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए क्या करें, e का पावर x के ग्राफ को नीचे शिफ्ट करेंगे। कितना नीचे शिफ्ट करेंगे? तो वन यूनिट नीचे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कहाँ से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा, राइट। तो ये ओरिजिन से पास करेगा, तो इस तरह का ग्राफ होगा। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, फॉर्म टू है वाई इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स प्लस ए। अच्छा फॉर्म वन और फॉर्म टू में डिफरेंस है। फॉर्म वन ऐसा था वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए बाहर में था, फॉर्म वन में वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए बाहर में था, यहाँ पे प्लस ए अंदर में है। ऑब्वियसली यहाँ पे ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, वेयर ए इज ए कांस्टेंट। इसमें रूल ये होता है कि अगर ए पॉजिटिव हो जाए, अगर ए पॉजिटिव हो जाए तो ग्राफ शिफ्ट्स लेफ्ट बाय ए यूनिट्स, ग्राफ शिफ्ट्स लेफ्ट बाय ए यूनिट्स, ठीक है। और अगर ए लेस देन जीरो हो जाए तो ग्राफ शिफ्ट्स राइट बाय ए यूनिट्स, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिया गया कि आपसे बोल दिया कि प्लॉट वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन, फिर दूसरा ग्राफ है वाई इक्वल टू एल एन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो सबसे पहले एल एन एक्स का ग्राफ बना लो। एल एन एक्स का ग्राफ इंक्रीजिंग होते हैं और ये एक्स एक्सिस पे कहाँ से क्रॉस करते हैं, वन से, ठीक है। रजत अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एसिम्प्टोट क्या होगा, आंसर क्या होगा? सर एक्स इक्वल टू जीरो। हाँ एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस, राइट, ठीक है। अब हमें बताना यह है कि वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसा होगा, वाई इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो प्लस वन कर रहे हैं, वन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ किधर शिफ्ट करना चाहिए, लेफ्ट या राइट? तो लेफ्ट, कितना से, वन से। वन से अगर लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो मतलब ग्राफ कहाँ से क्रॉस करेगा, ओरिजिन से, ओरिजिन ठीक है। तो इसका पैरेलल ग्राफ बना दो और ओरिजिन से शिफ्ट करा दो, ठीक है। अच्छा इसका एसिम्प्टोट क्या होगा? सर माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन होगा। हम ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है वो एसिम्प्टोट ड्रॉ की है। वर्टिकल लाइन को हम डैश करके दिखा दे रहे हैं, डॉटेड करके दिखा दे रहे हैं। अब अगर आपसे ये बोले कि वाई इक्वल टू एल एन एक्स माइनस टू का ग्राफ बनाओ, तो एल एन एक्स माइनस टू का ग्राफ किस साइड से शिफ्ट करेगा, किधर शिफ्ट करेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड? तो लेफ्ट राइट 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 सर। राइट हाँ सर राइट माइनस ले टू हुआ लेते है हैं तो जी। राइट शिफ्ट करेगा। राइट कितना शिफ्ट करेगा, दो यूनिट दो से यूनिट मतलब 3 के ग्राफ मतलब बनेगा। थ्री से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो एल एन एक्स के पैरेलल ग्राफ बनाइए, एवरीवेयर पैरेलल ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो ऐसा होगा। अच्छा इसका एसिम्प्टोट क्या होगा, एक्स इक्वल टू टू ठीक है। तो ब्लू कलर में जो ग्राफ बनाया हुआ है एल एन एक्स, रेड कलर में ग्राफ किसका है, एल एन एक्स प्लस वन का, और ग्रीन कलर में ग्राफ है एल एन एक्स माइनस टू का। नेक्स्ट फॉर्म थ्री। फॉर्म थ्री है वाई इक्वल टू ए इंटू एफ एक्स, जहां ऑब्वियसली ए क्या है, कोई कांस्टेंट है, ठीक है। और हम लोग ए पॉजिटिव ले रहे हैं, ए ले रहे हैं पॉजिटिव, अभी नेगेटिव कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ए इक्वल टू वन का कोई मतलब नहीं होगा। अब हम इसको दो केस में डिवाइड करेंगे। पहला जो केस होगा वो होगा ए क्या वैल्यू 0 से 1 के बीच में। पहला केस में ए क्या वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेंगे और दूसरा केस में ए क्या वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे, ठीक है। अगर ए क्या वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए तो ग्राफ को ऊपर नीचे खींच दो बाय ए टाइम्स, ग्राफ को ऊपर नीचे खींच दो बाय ए टाइम्स, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं स्ट्रेच ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाई ए टाइम्स अलॉन्ग वाई एक्सिस,
या पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेच ग्राफ ऑफ एफ एक्स बाई ए टाइम्स एलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। ये कब है? जब ए ग्रेटर देन वन है। और अगर ए का वैल्यू जीरो से वन के बीच में रहे तो ग्राफ को कंप्रेस कर दो, ग्राफ को क्या कर दो, कंप्रेस कर दो, ठीक है, ऊपर नीचे से कंप्रेस कर दो। तो कंप्रेस ग्राफ बाई ए टाइम्स एलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपसे ये बोल दे कि टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, साइन एक्स बाई टू का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो उसके लिए इस मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये करना है कि साइन एक्स का ग्राफ बना दो। ये साइन एक्स का ग्राफ हुआ, इसका मैक्सिमम वैल्यू वन होगा और मिनिमम होगा माइनस वन, ठीक है। अब अगर आपसे ये बोला कि टू साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो टू साइन एक्स का ग्राफ का मतलब ये हुआ कि साइन एक्स के ग्राफ को वाई एक्सिस के अलॉन्ग टू टाइम्स स्ट्रेच कर दो। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि टू साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू टू होगा और मिनिमम वैल्यू माइनस टू होगा। टू साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू टू होगा, हाँ खींच देंगे, ठीक है, खींच देंगे। तो मतलब कि माइनस टू से टू के बीच में उसका ग्राफ बनाएंगे। टू साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो किसके किसके बीच में बनाएंगे, माइनस टू से टू के बीच में बनाएंगे। तो अगर माइनस टू से टू के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होगा वो वाई एक्सिस पे चेंज होगा। एक्स एक्सिस में ग्राफ जहां जहां क्रॉस करता था वहीं वहीं क्रॉस करेगा। बस वाई एक्सिस में ग्राफ चेंज होगा। पैटर्न अगर बोला जाए तो अभी भी सेम ही है, बस ग्राफ को खींच दिए हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना टाइम से, टू टाइम से, ठीक है। ऑब्वियसली टू साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, तो माइनस टू से टू क्लोज तक, ठीक है। तो जो रेड कलर से बनाया है वो किसका ग्राफ बनाया है, टू साइन एक्स का। अब नेक्स्ट हाफ साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो अगर हाफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो क्या करेंगे, साइन एक्स का ही ग्राफ होगा लेकिन उसका मैक्सिमम कितना होगा, हाँ रेंज उसका चेंज है, कॉम्प्रेस हो जाएगा, रेंज हाफ से लेकर माइनस हाफ से लेकर हाफ क्लोज, हाँ उसका रेंज होगा माइनस हाफ क्लोज से हाफ क्लोज तक, हो गया। तो कुछ करना नहीं है इसमें, तो इस तरह से ग्राफ बना दो। तो जो ग्रीन कलर से ग्राफ बनाए हैं वो किसका ग्राफ बनाए हैं, हाफ साइन एक्स का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रजत, इसको कॉपी करने की जरूरत कुछ है, दिमाग में रखिए, फटाफट बना लीजिए। फॉर्म फोर, नेक्स्ट फॉर्म में कुछ ऐसा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, ठीक है। फॉर्म थ्री और फॉर्म फोर में क्या डिफरेंस है, फॉर्म थ्री में था y इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट से बाहर मल्टीप्लाई था और अभी अंदर, हाँ अब अंदर में मल्टीप्लाई हो रहा है, अब कॉन्स्टेंट से अंदर में मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ भी दो केस बनाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे a का फिर से वही कंडीशन है, यहाँ पे एक है फिर से वही कंडीशन है, ए जीरो से बड़ा लेना है और ए इक्वल टू वन नहीं लेना है। ए इक्वल टू वन ले लिए तब फिर एफ एक्स ही बचेगा ना, ठीक है, तो ए इक्वल टू वन भी नहीं लेना है। अब ए दो तरह का होगा, पहला केस में ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन लिए और दूसरा केस में ए का वैल्यू जीरो से वन के बीच में लिए, ठीक है। अगर ए का वैल्यू वन से बड़ा हो जाए, ठीक है, तो ग्राफ को कंप्रेस करना है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, ग्राफ को कंप्रेस करना है एलॉन्ग एक्स एक्सिस बाय ए टाइम्स, ठीक है, ठीक है। और इफ जीरो इज लेस देन ए इज लेस देन वन, देन एक्सपैंड ग्राफ एलॉन्ग एक्स एक्सिस बाय ए टाइम्स, ठीक है। मतलब ए अगर वन से बड़ा है तो कंप्रेस करेंगे किसके किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। कुछ एग्जांपल्स,
एग्जाम्पल्स है वाई इक्वल टू साइन टू एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स बाई टू। तो पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाया जाए, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे टू पाई, यहाँ माइनस पाई, यहाँ माइनस टू पाई। मैक्सिमम वन, मिनिमम माइनस वन, ठीक है। अब हम साइन टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो साइन टू एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस ग्राफ को, साइन एक्स के ग्राफ को टू टाइम्स कंप्रेस कर देंगे। टू टाइम्स कंप्रेस करने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ के मैक्सिमम मिनिमम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम अभी भी माइनस वन और वन ही होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पे जो क्रॉस करेगा वो सब चेंज होगा। यहाँ पे पाई बाई टू होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा थ्री पाई बाई टू, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस थ्री पाई बाई टू। मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस पे कंप्रेस हो गया है, ठीक है। ग्राफ क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे कंप्रेस हो गया। ग्राफ जो पहले एक्स एक्सिस पे जीरो और पाई से क्रॉस कर रहा था, अब क्या हुआ है, बीच में पाई बाय टू पे ही क्रॉस कर रहे हैं। समझ पाए सुजीत, समझ पाए? हाँ सर। अब इसको जस्टिफाई करते हैं। अगर इसके जगह पे पाई बाय टू पुट कर लो, इसके जगह पे पाई बाय टू पुट कर लो, तो टू इंटू पाई बाय टू कितना होगा, पाई। और साइन पाई का वैल्यू क्या होते हैं, जीरो। साइन पाई का वैल्यू क्या होते हैं, जीरो। मतलब कि एक्स के जगह पे पाई बाय टू पुट किए तब ना साइन पाई बना, और उस केस में वाई का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। ये ग्राफ एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एट पाई बाई टू पे, ठीक है। तो जो रेड कलर ग्राफ बनाए हैं वो किसका ग्राफ है, तो साइन टू एक्स का ग्राफ है। अब साइन एक्स बाई टू का ग्राफ आप लोग बताइए, साइन एक्स बाई टू का ग्राफ ओरिजिन के बाद पॉजिटिव साइड में कहाँ से क्रॉस करेगा, थ्री पाई बाई टू? नहीं 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 नहीं, थ्री पाई बाई टू से पास नहीं, टू पाई से पास करेगा, टू पाई से, टू पाई से क्रॉस करेगा, ठीक है। अरे साइन एक्स पाई से क्रॉस कर रहा था, तो साइन एक्स बाई टू उस पाई का डबल क्या होगा, टू पाई, टू पाई से क्रॉस करेगा। सर जितना उसका आधा ना फिर एक्सपेंड होगा, ऐसे कि पाई है फिर उसका आधा मतलब पाई बाई टू और एक्सपेंड। अरे टू टाइम्स एक्सपेंड होगा, साइन एक्स का हेल्प से हम साइन एक्स बाई टू का ग्राफ बना रहे हैं। अगर एक्स बाई टू है तो हम इसको इलांगेट करेंगे, कितना कर देंगे, डबल कर देंगे। हाँ इधर साइड बताओ, लेफ्ट साइड में कहाँ से क्रॉस करेंगे, अगर वहाँ एक्स बाई थ्री होता, हाँ तो उसको मतलब थ्री एक्स पे जाके वो कट करता, फिर थ्री पाई से क्रॉस करता है। हाँ वही थ्री पाई से क्रॉस करता, हाँ फिर थ्री पाई से क्रॉस करता है, ठीक है सर। अच्छा लेफ्ट साइड में कहाँ से क्रॉस करेगा, माइनस टू पाई, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स बाई टू। फॉर्म फाइव, फॉर्म फाइव में ऐसा है कि वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, वाई इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स। ये बड़ा आसान फॉर्म है, ठीक है। हम इसके बारे में कुछ लिख नहीं रहे हैं, बस हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर तुमसे ये पूछा कि y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो साइन एक्स का पहले ग्राफ बना दो। अब माइनस साइन एक्स का मतलब क्या हुआ, माइनस साइन एक्स का मतलब ये हुआ कि अगर साइन एक्स वन होगा तो माइनस साइन एक्स माइनस वन होगा, ठीक है। अगर साइन एक्स वन बाई टू होगा तो माइनस साइन एक्स क्या होगा, माइनस वन बाई टू, ठीक है। बोलने का मतलब ये हुआ कि साइन एक्स जहां पे पॉजिटिव है वहां पे माइनस साइन एक्स निगेटिव हो जाएगा, साइन एक्स जहां पे निगेटिव है वहां पे माइनस साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, फिर साइन एक्स जहां पे पॉजिटिव है वहां पे माइनस साइन एक्स निगेटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है।
तो ये जो हम रेड कलर से बनाए हैं वो किसका ग्राफ है? माइनस साइन एक्स का, ठीक है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है अलग से? नहीं। अच्छा, इसका जो ग्राफ होगा, दिस इज मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ होगा वो मिरर इमेज होगा ऑफ एफ एक्स, मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। जो हम लिखे हैं वो समझ में आए? साइन एस का ग्राफ बना दिए, माइनस साइन एस का ग्राफ क्या है? तो साइन एस का मिरर इमेज है किसके अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। सुजीत, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एक और ग्राफ, सपोज आपसे ये बोल दे कि y इक्वल टू माइनस e रेस्ट टू पावर ऑफ x का ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो e रेस्ट टू पावर ऑफ x का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। तो e रेस्ट टू पावर ऑफ माइनस x का ग्राफ कैसा होना चाहिए? इसका मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, y एक्सिस से ये माइनस वन से क्रॉस करेगा क्योंकि इधर वन से क्रॉस करता था। अब नेक्स्ट फॉर्म, फॉर्म सिक्स, y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, y इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स। इसमें होगा मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस, मिरर इमेज ऑफ एफ एक्स अबाउट y एक्सिस। जैसे आपसे ये बोल दिया जाए कि एल एन माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू एल एन माइनस एक्स का ग्राफ बनाओ। एल एन एक्स का ग्राफ बनाने आते हैं, एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होगा, वन से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो एल एन माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा इसका मिरर इमेज होगा किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये माइनस वन से क्रॉस करेगा इधर, ठीक है। तो रेड कलर से जो बनाया है वो है एल एन माइनस एक्स, और ब्लू कलर से ऑब्वियसली एल एन एक्स है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, एल एन माइनस एक्स का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा? रेंज तो ऑल रियल नंबर है, डोमेन कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इनफिनिटी से जीरो होगा, डोमेन होगा माइनस इनफिनिटी से जीरो ओपन तक, ठीक है। रेंज होगा ऑल रियल नंबर। अच्छा, इसमें अगर इसके जगह पे हम माइनस वन पुट कर लें, एक्स के जगह पे माइनस वन पुट कर लें, तो लॉन माइनस ऑफ माइनस वन कितना मिलेगा? लॉन वन, और लॉन वन का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो इसे ये माइनस वन पे ही एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, ठीक है। फॉर्म सेवन है, वाई इक्वल टू मॉड एफ एक्स, वाई इक्वल टू मॉड एफ एक्स। देखो, मॉड एक्स का मतलब तुम लोग जानते हो, मॉड एक्स का मतलब क्या होता है? मॉड एक्स का मतलब एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो। तो उस तरह से मॉड एफ एक्स को क्या लिखेंगे? एफ एक्स लिखेंगे। कब? जब एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, और ये माइनस एफ एक्स होगा अगर एफ एक्स क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। तो देखो करना क्या है, जहां पे एफ एक्स नन नेगेटिव है, एफ एक्स नन नेगेटिव है मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है? एफ एक्स नन नेगेटिव है तो उसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस और एक्सिस के ऊपर होगा, और एफ एक्स अगर नेगेटिव हो गया तो उसका ग्राफ क्या होगा? एक्स एक्सिस के नीचे होगा, ठीक है। इसमें हम लोग को करना क्या है वो समझो। स्टेप वन, जो ग्राफ एक्सिस के ऊपर है उसमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि वो तो एफ एक्स ही रखना है। चेंज किसमें करना है? जो ग्राफ एक्सिस के नीचे है, ठीक है। तो लीव द पोर्शन ऑफ ग्राफ
एबव एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब ग्राफ का पोर्शन जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको कुछ नहीं करना है, छोड़ दो छोड़ दो, मतलब जैसे रहने दो। स्टेप टू, टेक मिरर इमेज ऑफ ग्राफ, टेक मिरर इमेज ऑफ पोर्शन ऑफ ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। मिरर इमेज किसके अबाउट लेना है? एक्स एक्सिस के अबाउट लेना है, लेकिन किस पोर्शन का? जो पोर्शन नीचे वाला है, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे ये पूछा कि प्लॉट ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स, ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। अब तुम्हें पता है मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब नॉन नेगेटिव होता है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि जो भी नेगेटिव वाला पोर्शन है, जो भी नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है। जो भी नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो। और जो पॉजिटिव है उसको वैसे रहने दो, तो जो पॉजिटिव है उसको वैसे रहने दो, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना दो। तो जो रेड कलर बनाया है वो क्या है? मॉड साइन एक्स है। चलो हम इसको अलग से बना देते हैं। मॉड साइन एक्स में पूरा ऊपर आ जाएगा, नीचे कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि मॉड का मतलब तुम्हें पता है क्या होते हैं? नन नेगेटिव होते हैं, क्लियर। तो जो भी हम रूल लिखे हैं उसका तो जरूरत ही नहीं पड़ा। वैसे रूल को भी एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ का जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको रहने दो, और जो पोर्शन नीचे में है उसको हटा करके उसका मिरर इमेज ले लो अबाउट एक्स एक्सिस। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वाई इक्वल टू मॉड के अंदर एल एन एक्स, वाई इक्वल टू मॉड के अंदर एल एन एक्स, ठीक है। एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ एल एन एक्स, लेकिन हमें बनाना है मॉड एल एन एक्स का। तो मॉड एल एन एक्स के लिए क्या करेंगे? ग्राफ का जो पोर्शन एक्स एक्सिस के ऊपर में उसको रहने दो, और जो पोर्शन नीचे में है, जो पोर्शन नीचे में है उसका मिरर इमेज ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो मॉड एल एन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला जो पोर्शन है ऐसे रहने दिए, और इधर वाले को ऐसे बना दिए। फॉर्म एट, वाई इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। तो ऑब्वियसली हम इसको ऐसा ही सकते हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन जीरो हो जाए, क्योंकि मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और माइनस एक्स होगा अगर एक्स लेस देन जीरो होगा, समझे। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्स नॉन नेगेटिव है, मतलब ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड में है, एक्स नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड में है, तब एफ एक्स वाला ही ग्राफ बनाओ, ठीक है। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तब उस केस में क्या करो? एफ एक्स वाले ग्राफ का मिरर इमेज लो अबाउट वाई एक्सिस, समझे। वाई इक्वल टू एल एन मॉड एक्स, वाई इक्वल टू एल एन मॉड एक्स, एल एन एक्स का ग्राफ ऐसा बनेगा। हम एक चीज आपसे पूछेंगे, एल एन एक्स का डोमेन क्या होता है? इन्फिनिटी क्लोज, इन्फिनिटी ओपन, ठीक है, जीरो ओपन से इन्फिनिटी ओपन तक। तो एल एन मॉड एक्स का डोमेन क्या होगा बताओ? तो
मतलब एल एन मॉड एक्स में मॉड एक्स के बारे में क्या लिखोगे? मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो, डोमेन आर हो जाएगा, आर नहीं होगा, माइनस जीरो, आर माइनस जीरो होगा, आर माइनस जीरो होगा। अगर डोमेन आर माइनस जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? ग्राफ आर माइनस जीरो पे बनेगा, है ना? अगर डोमेन आर माइनस जीरो हो गया तो ग्राफ कहां बनेगा? आर माइनस जीरो पे बनेगा, ठीक है? तो देखो यहां पे हम लोग वाई इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, यहां पे वाई इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हैं। तो ये ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ होता है अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है? लेकिन एक्स लेस देन जीरो हो जाए तो एफ माइनस एक्स का ग्राफ होता है। तो इसके लाइन पे इधर साइड में एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है? मतलब वाई एक्सिस के राइट में एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो वाई एक्सिस के राइट में जो ग्राफ है वही ग्राफ बनाओ, ठीक है? लेकिन वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में गिवन ग्राफ का मिरर इमेज ले लो और ये दोनों मिला करके लॉन मॉड एक्स है। लॉन मॉड एक्स में दोनों पोर्शन होगा, राइट वाला पोर्शन भी होगा, लेफ्ट वाला पोर्शन भी होगा, ठीक है? देखो राइट वाले पोर्शन के लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुमको लग सकता है कि लेफ्ट वाला पोर्शन अपने आप कहां से जन्म ले लिया, हाँ सर लग रहा है ना, कहां से जन्म ले लिया, ठीक है? सबसे पहले डोमेन के बारे में डिस्कस करें, तो लॉन एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग टू, लॉन एक्स का डोमेन होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो। लॉन मॉडिस का डोमेन क्या होगा? तो लॉन मॉडिस का डोमेन होगा एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। तो डोमेन से तो एक आइडिया लगा ना कि इसमें सिर्फ जीरो अलाउड नहीं है, बाकी सब तो अलाउड है ना, तो ग्राफ तो सब जगह बनना ही चाहिए, ठीक है? जब ग्राफ सब जगह बनना चाहिए तो एक्स लेस देन जीरो में भी ग्राफ बनना चाहिए। तो यही चीज तो बता दिया कि कुछ और चीज जन्म लेगा। अब वो जन्म कैसे लेगा, अब वो जन्म कैसे लेगा, उसके लिए यहां पे अटैक किए। अगर एक्स लेस देन जीरो होता है तो ग्राफ किसका होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स का, ठीक है? अगर एक्स लेस देन जीरो होता है तो ग्राफ किसका होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो एफ ऑफ माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स हम एल एन एक्स को मान रहे हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? एल एन एक्स का मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है? तो एक्स लेस देन जीरो में एल एन एक्स का मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सिस, मतलब ये वाला पोर्शन भी आएगा। एक और ग्राफ बनाते हैं, नेक्स्ट ग्राफ है सर, इस वाले फॉर्म में अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिए तो सर उसमें तो मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिए और वाई इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने बोले, तो मॉड एक्स स्क्वायर बोलो एक्स स्क्वायर बोलो, बात एक ही है, इसका ग्राफ तो ऐसे ही होगा, ठीक है? अच्छा देखो इसमें इसमें ध्यान दो, इसमें ध्यान दो। अगर हम उस कॉन्सेप्ट से बनाएं, तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो जो ग्राफ है वही रखना है, और अगर एक्स लेस देन जीरो है भैया, ठीक है, तो पहले से जो ग्राफ है उसको हटा दो, पहले से जो ग्राफ है उसको हटा दो, ठीक है? और जो राइट वाला पोर्शन है उसका मिरर इमेज ले लो। हाँ फिर सेम ही आ जाएगा। चलो उसका रूल हम थोड़ा सा लिख देते हैं। इसमें क्या होगा कि स्टेप वन, लीव द पोर्शन ऑफ ग्राफ राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ है उसको लीव कर दो, ठीक है? और डिलीट लेफ्ट ग्राफ ऑफ लेफ्ट साइड, डिलीट लेफ्ट साइड ग्राफ, लेफ्ट साइड ग्राफ मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, किसका लेफ्ट साइड? वाई एक्सिस के। स्टेप टू,
टेक मिरर इमेज ऑफ रिमेनिंग ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, और स्टेप थ्री कीप बोथ, दोनों रखना है, ठीक है। हम ये बोल रहे हैं कि अगर एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में एफ एस का ही ग्राफ होना चाहिए, लेकिन अगर एक्स लेस देन जीरो हो गया तो वहां पे ग्राफ किसका होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स का, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कि वाई एक्सिस के राइट साइड में जो ग्राफ है उसको रहने दो, लेकिन लेफ्ट साइड में जो भी ग्राफ है उसको डिलीट मारो, ठीक है। फिर क्या करो, जो राइट साइड वाला पोर्शन बचा उसका मिरर इमेज लो, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, और जो फाइनल आंसर होगा वो दोनों होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, e रेस टू पावर ऑफ मॉड एक्स, स्टेप वन e का पावर एक्स का ग्राफ बना दो, ठीक है, ये स्टेप वन हुआ, स्टेप वन। स्टेप टू में क्या करो कि राइट साइड वाला पोर्शन रहने दो, लेफ्ट साइड वाला पोर्शन को डिलीट कर दो, राइट साइड वाला पोर्शन रहने दो, लेफ्ट वाले पोर्शन को डिलीट कर दो, ठीक है, डिलीट लेफ्ट साइड पोर्शन, ठीक है। अब स्टेप थ्री, स्टेप थ्री में क्या करना है कि जो राइट साइड वाला पोर्शन बचा है उसका मिरर इमेज लेना है वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और दोनों को रखना है। तो ये जो ग्राफ बना ये किसका ग्राफ बना, ई का पावर मॉड एक्स का ग्राफ बना, अच्छा बताइए इसका डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन ऑल रियल नंबर, और रेंज कहां से कहां तक हुआ, वन से इन्फिनिटी तक हुआ, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, बाकी लोगों को बताओ सर, एकदम क्लियर, ठीक है, अब एकदम क्लियर हो गया। तो जब भी एफ ऑफ मॉड एक्स रहे तो उसमें क्या करो कि पहले जो ग्राफ है एफ एक्स का बनाओ, एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर क्या करो कि राइट वाला पोर्शन रहने दो, लेफ्ट वाला को डिलीट मारो, फिर क्या करो राइट वाले पोर्शन का मिरर इमेज लो, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, और फाइनल स्टेप में दोनों रहना चाहिए, लेफ्ट वाला भी रहना चाहिए, राइट वाला भी रहना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मॉड के अंदर लॉन मॉड एक्स, सबसे पहला काम क्या होगा, किसका ग्राफ बनाइएगा, एल एन एक्स। अब हम ग्राफ बनाएंगे एल एन मॉड एक्स का, लॉन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा बताइए तो आप लोग, लॉन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, अभी बताया भी है, इधर रहेगा और इसका मिरर इमेज रहेगा, ठीक है, ये हो गया लॉन, लेफ्ट में तो इसमें है ही नहीं, तो डिलीट कहाँ होगा, अच्छा इसमें लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, पहले से कुछ नहीं है, क्या डिलीट करोगे, ये तो बोलेगा पहले से मेरे में कुछ हो नहीं है, इसको उसको भी मारने पे तुला हुआ है। चलो अब लॉन मॉड एक्स का ग्राफ बन गया है ना, अब किसका ग्राफ बनाना है, मॉड लॉन मॉड एक्स, अच्छा बाहर में मॉड लगा दिए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाहर अगर मॉड लगा दें तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाला जो ग्राफ है उसको उलट देंगे ऊपर की तरफ, उसका मिरर इमेज ले लेंगे, किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो मॉड लॉन मॉड एक्स का ग्राफ अगर बनाना है हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ग्राफ में एक्सिस के नीचे जो भी पोर्शन है उसका मिरर इमेज ले लेंगे, किसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट ले लेंगे, ठीक है। तो जो फाइनल ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड लॉन मॉड एक्स, क्लियर हुआ, बोलो रजत, कुछ कंफ्यूजन है, नहीं हमको पहले से क्लियर था, पहले से क्लियर था, अरे वाह, इसका डोमेन रेंज क्या है बताइए सर,
डोमेन होगा जाके आपका रियल और रियल नंबर माइनस जीरो, हाँ और रेंज होगा आपका हाँ? जीरो क्लोज से लेकर इन्फिनिटी ओपन तक। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू जीरो। ठीक है, मिनिमम वैल्यू जीरो होगा। क्या ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है? क्या बोल? नहीं सर, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। नहीं है, कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है? जीरो पे। जीरो। अच्छा, क्या ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है? डिफरेंशिएबल है? नहीं है। कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है? यहाँ वन होगा, यहाँ माइनस वन होगा, यहाँ जीरो। तो जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और माइनस वन और वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, हाँ, इसमें लिमिट्स भी डिस्कस कर सकते हैं। आप कॉर्नर है और क्या बोले? कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो सब हम पढ़ेंगे बाद में।